ओम गंग गणपतये नमः। राधे राधे। आइए जानते हैं जून माह 2024 संकष्टी चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा। पूजन विधि, महत्व एवं नियम। संकष्टी चतुर्थी, जिसे दक्षिण भारतीय राज्यों में संकटहर चतुर्थी भी कहा जाता है, हिंदुओं का एक शुभ त्यौहार है जो भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाता है। संकष्टी चतुर्थी मंगलवार 25 जून 2024 को है। संकष्टी चतुर्थी जून 2024, तिथि समय जून 25, प्रातः 1:23 से 25 जून को रात्र 11:11 तक है। चतुर्थी तिथि के स्वामी गणेश जी ही हैं। ज्ञात हो कि संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रतधारी श्री गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को जल अर्पित करके उनका दर्शन करते हैं और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही गणेश चतुर्थी व्रत को पूर्ण माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने से व्यक्ति के सभी संकट मिट जाते हैं और जीवन में धन, सुख और समृद्धि आती है। इसके बाद व्रतधारी पारण करके व्रत को पूर्ण करते हैं। इस दिन किए गए व्रत उपवास और पूजा पाठ से यश, वैभव, सुख समृद्धि, धन, कीर्ति, ज्ञान और बुद्धि में अतुलनीय वृद्धि होती है। श्री गणेश शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। श्री गणेश चतुर्थी पर सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद घर के मंदिर में गणेश प्रतिमा को गंगा जल और शहद से स्वच्छ करें। सिंदूर, दुर्वा, फूल, चावल, फल, जनेऊ, प्रसाद आदि चीजें एकत्रित करें। धूप दीप जलाएं। ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए पूजा करें। मंत्र जाप 108 बार करें। गणेश जी के सामने व्रत करने का संकल्प लें और पूरे दिन अन्न ग्रहण न करें। व्रत में फलाहार, पानी, दूध, फलों का रस आदि चीजों का सेवन किया जा सकता है। सूर्य देव का मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप 108 बार करें। सूर्य देवता को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। पूजा के बाद घर के आसपास जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करें। गाय को रोटी या हरी घास दें। किसी गौशाला में धन का दान भी कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजन विधि। गणपति की स्थापना के बाद इस तरह पूजन करें। सबसे पहले घी का दीपक जलाएं। इसके बाद पूजा का संकल्प लें। फिर गणेश जी का ध्यान करने के बाद उनका आवाहन करें। इसके बाद गणेश को स्नान कराएं। सबसे पहले जल से, फिर पंचामृत और पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। गणेश के मंत्र व चालीसा व स्तोत्र आदि का वाचन करें। अब गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएं। अगर वस्त्र नहीं है तो आप उन्हें एक नाड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गणपति की प्रतिमा पर सिंदूर, चंदन, फूल और फूलों की माला अर्पित करें। अब बप्पा को मनमोहक सुगंध वाली धूप दिखाएं। अब एक दूसरा दीपक जलाकर गणपति की प्रतिमा को दिखाकर हाथ धो लें। हाथ पोछने के लिए नए कपड़े का इस्तेमाल करें। अब नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य में मोदक, मिठाई, गुड़ और फल शामिल है। इसके बाद गणपति को नारियल और दक्षिणा प्रदान करें। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की कथा सुनें। अब अपने परिवार के साथ गणपति की आरती करें। गणेश जी की आरती कपूर के साथ घी में डूबी हुई एक या तीन या इससे अधिक पत्तियां बनाकर की जा सकती है। इसके बाद हाथों में फूल लेकर गणपति के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। अब गणपति की परिक्रमा करें। ध्यान रहे कि गणपति की परिक्रमा एक बार ही की जाती है। इसके बाद गणपति से किसी भी तरह की भूल चूक के लिए माफ़ी मांगें। पूजा के अंत में साष्टांग प्रणाम करें। रात को चंद्रमा की पूजा और दर्शन करने के बाद व्रत खोलना चाहिए।
भविष्य पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी की पूजा और व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। गणेश पुराण के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से सौभाग्य, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। शाम को चंद्रमा निकलने से पहले गणपति जी की एक बार और पूजा करें और संकष्टी व्रत कथा का फिर से पाठ करें। अब व्रत का पारण करें।